रात के करीब 1 बज रहे थे। गांव के शमशान घाट पर कुछ लोग जमा हुए थे। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहां कुछ औरतें भी मौजूद थी। शायद किसी की मौत हो गई थी, लेकिन न जाने वो कौन अभागा था जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो सब लोग शांत खड़े एक एक करके सामने रखी चिता पर लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। आखिर एक आदमी आगे आया। उसकी वेशभूषा से वो गांव का कोई तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने अपना सिर पीछे घुमाकर किसी को इशारा किया। पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आसपास तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से तर बतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मशाल जला दी और उस आदमी के हाथों में थमा दी। मशाल पकड़ते ही डर के मारे उस आदमी के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल लिए चिता के तरफ बढ़ने लगा। वो चिता को आग लगाने ही वाला था कि तभी उस पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। उस आदमी ने जल्दी चिता को आग लगा दी और जोर जोर से रोता हुआ वहां से हट गया। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। चिता अभी जलनी शुरू ही हुई थी कि 2 पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर चिता की तरफ बढ़े। उन्होंने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। फिर पुलिस की गाड़ी से एक औरत रोती हुई बाहर निकली। वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी। उसने चिता पर रखी सारी लकड़ियां हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस औरत ने जैसे ही लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उस लड़के ने गहरी सांस ली और एक शब्द कहा, माँ, मुझे बचा लो माँ। पुलिस वाले ये देखकर दंग रह गए। तभी उस लड़के की माँ ने चिता जलाने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी, इस आदमी को छोड़ना नहीं, ये इंसान नहीं हैवान है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ये कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाला था। तभी लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे बचाकर ठीक नहीं कर रही हो, हट जाओ हमारे रास्ते से। तभी गांव की कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। मिथिला चीखने चिल्लाने लगी, दरोगा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये दरिंदे उसे मार डालेंगे। दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है, आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहां से चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर तुम लोगों की ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम लड़के को जिंदा जला रहे हो? आखिर इसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? दरोगा जी, ये कोई मासूम लड़का नहीं है, ये एक नरभक्षी राक्षस है। इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया है। अब बस बहुत हुआ, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये बस तुम लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हवलदार, जाओ लड़के को ले आओ। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, दरोगा जी, आपने इसे बचा तो लिया, लेकिन हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे, इसे गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इस शर्त पर गांव वालों ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे को लेकर गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर एक रात हीरा अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी घर लौट जाया करता था, लेकिन आज उसे घर लौटने में देरी हो गई। दिन ढल चुका था। वो हाथ में टॉर्च लिए डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था।
रास्ता कच्चा और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियां थी। तभी उन झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हीरा घबरा कर वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। हीरा फिर अपने रास्ते चलने लगा। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई हीरा का पीछा कर रहा हो। हीरा मुड़कर पीछे देखना चाहता था, पर वो इतना डरा हुआ था कि उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस सामने देखता हुआ चलता ही जा रहा था कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर तेज धारदार नाखून से हमला किया। हीरा की पीठ खून से लथपथ हो गई, लेकिन उसने तभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जितनी तेज हो सके भागने लगा, पर वो अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी बड़ी काली आंखों से हीरा की तरफ देखने लगा। उसके पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी भी इंसान को एक बार में ही चीर के रख दे। हीरा उसे देखकर बहुत डर गया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ गांव वाले आसपास ही थे। वो हीरा की आवाज सुनकर तुरंत भागे चले आए। गांव वालों को आता देख वो शैतान हीरा को छोड़कर वहां से भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हीरा को पास के अस्पताल में ले आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया, लेकिन वो उठते ही बहुत चीखने चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे, वो नरभक्षी वापस आ गया है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस शैतान को हमें उसी दिन खत्म कर देना था, अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मुझे किशोर के पास जाना है, मुझे मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। हीरा कुछ लोगों के साथ तुरंत किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हीरा किशोर के घर के सामने बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। इधर दूसरी तरफ किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा था। तभी उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। किशोर समझ गया कि उसकी पत्नी और बेटा वहीं होंगे। किशोर तुरंत वहां गया और घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। फिर मिथिला वहां आई और दरवाजा खोली। बता, तूने उस दरिंदे नरभक्षी को कहां छुपा कर रखा है? आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आज मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। किशोर शांत हो जाओ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो हर पल मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने, फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता है? देखो मिथिला, मुझे पता है कि तुम एक माँ होने का फर्ज निभा रही हो। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस एक शिकार की तरह हो। अगर कल को उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुम्हें भी जिंदा खा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। किशोर मिथिला को धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे सामने एक कमरा दिखा। किशोर लालटेन लेकर तुरंत उस कमरे में गया। उस कमरे में जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने रघु का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ था। रघु का आधा खाया हुआ शरीर किशोर के कदमों के सामने पड़ा हुआ था। वो घबराता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने मिथिला खड़ी थी। मिथिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही देखते मिथिला एक शैतान में बदलने लगी। उसका शरीर भयानक हो गया। उसके हाथों से धारदार पंजे बाहर निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। किशोर उसे देखकर थर थर कांपने लगा। वो तुरंत वहां से भागा। भागते वक्त वो सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रहा था। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। किशोर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंच पाता, नरभक्षी ने उसे सामने से घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के आर पार घुसा दिए और उसे खींचती हुई घने जंगल में ले गई। हीरा किशोर का इंतजार करता रहा, लेकिन किशोर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि वो नरभक्षी रघु नहीं बल्कि उसकी माँ मिथिला थी। वो हर रोज किसी न किसी गांव वाले का शिकार करती रही।
फिर डर के कारण सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।